हाँ भाई, बड़ी प्यारी दया साढ़े उत्ते, साढ़े सतगुरु सावन कृपाल ने कीती है। सब संते कहते हैं कि परमात्मा रहम का समुद्र है, दया का सागर है। जिस तरह समुद्र छल दे नाल मोती बाहर किनारे ते दिंदा है हंसां नूं चोग चुगण वास्ते, इसे तरह वो भी जब दया का समुंदर उछलता है, वह इंसानी जामे विच आउंदा है, बड़ा आके भगती का प्रवाह अपने मिलन का प्रवाह उत्साह चला दिंदा है। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सी परमार्थ दी परमार्थ भी छूत की तरह ही फैलता है। वो कहिंदे हुंदे कि जिस तरह एक नूं खारस हुई होवे तो दूसरे कोले बैठदा है, वो उस नूं भी उही रोग ला दिंदा है। इसे तरह संत भी साढ़े अंदर आके भगती मार्ग नूं एक छूत की तरह फैला देंदे है। सत्संगी लोग भी जिथे जाते हैं, जिथे बैठते हैं, जिहड़ा उन्हां दे नाल मिलाप करता है, उहदे अंदर भी भगती का उत्साह पैदा करते हैं। साढ़े सतगुरां ने आत्मा उपर आके बड़ी प्यारी दया की बारिश की। बिरध शरीर विच भी उन्होंने बाहर दियां यात्रा कीतियां, जिथे भी कोई आत्मा प्यासी सी उत्थे पहुँच के उसनू नाम का अमृत पिलाया और उस तप दी आत्मा नू ठारिया। उस प्यार दे सागर दे ने ऐसा उछाला मारिया कि हिंदुस्तान च पैदा होके सब किनारे तोड़ दिते। बड़िया लम्मिया यात्रा करके सब दी प्यास बुझाई। अगर वो दया ना करदा, वो उछल के बाहर आत्मा नू आके नाम भगती विच ना लाउंदा, अज आप इत्थे बैठ के उहदी याद विच और बैठ ही ना सकते और उहदी याद मना ही ना सकते, आप भजन सिमरन रब दे मुतालक सोच भी ना सकते। पलटू साहब ने कहा सी, उन्हें कहा है चाह फिरत है मुल्क बथेरा, जीव तारन कारण सहंदे दुख बथेरा। वो ये भी कहिंदे हुंदे सी कि देण वाला तुरो चल के आ गया है, सवाल लैण वालिआं दा है। जितना जितना किसे दा बरतन सी उतना उतना उस तो प्राप्त कर सके। आओ बाहरों ख्याल नूं हटाओ, अंदर चलो, वो फिर दया कर रहा है, उस दया नूं प्राप्त करिए। हाँ भाई, बैठो, अखां बंद करो। आशा करते हैं जब तक आवाज़ ना दिती जाए, अखां खोल के उठ के ना देखो, क्योंकि जेड़े प्रेमी घर अंदर अभ्यास नहीं करते होंगे कि उन्होंने एक घंटा काफ़ी मुश्किल होंदा है। बैठे बैठिया का मन उन्होंने मजबूर कर देता है, शायद कितने चले ना गए हो। नहीं, असी तुहाडे नाल वायदा करते हैं, असी बगैर आवाज़ देते हैं तुहानू नहीं जाते कि सब अपने भजन की तरफ, सिमरन की तरफ ही तवज्जो रखो। हाँ भाई, बैठो।